बिहार की सियासत पर बड़ी खबर के साथ 2024 चुनाव से पहले जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। अब नीतीश के हाथ में जेडीयू की कमान आ गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ललन सिंह ने रखा है प्रस्ताव। ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश के नाम पर सहमति भी बन गई है। सर्वसम्मति से बनने के बाद सहमति नीतीश कुमार ने जेडीयू अध्यक्ष पद स्वीकार किया। जेडीयू द्वारा शाम 5 बजे किया जाएगा नीतीश के नाम पर आधिकारिक ऐलान। लेकिन देखिए, अटकलें तो तब से लगना तेज हो गई थी जब पहले ललन सिंह पहुंचे थे नीतीश कुमार के आवास पर। दोनों ने आधे घंटे तक बैठक भी की थी और फिर कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए दोनों एक ही गाड़ी में पहुंचे थे। तीर की कमान अब नीतीश के हाथ। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सुप्रीमो बने हैं नीतीश कुमार। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय बैठक। राष्ट्रीय बैठक से पहले नीतीश और ललन सिंह के बीच अहम मुलाकात। नीतीश से मिलने पहुंचे ललन सिंह उनके आवास पर। सियासी चर्चा के बाद नीतीश और ललन सिंह एक ही गाड़ी से बैठक में पहुंचे। बैठक में अध्यक्षीय भाषण देते हुए ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। उन्होंने कहा कि चुनाव में अपनी सक्रियता को देखते हुए मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। मैं जेडीयू अध्यक्ष के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखता हूं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ललन सिंह का इस्तीफा स्वीकारते हुए नीतीश कुमार के नाम पर सहमति दे दी। नीतीश द्वारा जेडीयू अध्यक्ष पद स्वीकारने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर लगे नारे, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगे हैं। और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन पहली मर्तबा नहीं बने हैं जेडीयू के अध्यक्ष। इससे पहले 2016 से लेकर 2020 तक भी रह चुके हैं वो जेडीयू के अध्यक्ष। और फिर इस तरह के दृश्य पार्टी में उत्पन्न हुए थे जेडीयू अध्यक्ष को लेकर के, जिसके बाद ये कमान ललन सिंह के हाथों में सौंपी गई थी। लेकिन अब उन्होंने अपना कारण दे दिया है पार्टी को। उन्होंने कहा है कि सक्रियता मेरी लोकसभा चुनाव में रहेगी, जिसकी वजह से अब ये कमान नीतीश कुमार को दे दी गई है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के लिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, सियासत में तो चर्चा पहले ही हो रही थी नीतीश कुमार के नाम की, लेकिन आप बताइएगा कि क्या संकेत मिल रहे हैं जब नीतीश कुमार एक बार फिर बने हैं अध्यक्ष और नारे लगे हैं प्रधानमंत्री कैसा हो पर उनके नाम के समर्थकों के द्वारा। बिल्कुल, देखिए, राजनीति में नीतीश कुमार का नाम हमेशा से कहीं ना कहीं जब भी संदर्भ आता है तो आता ही रहा है। ऐसे में एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री जो रहे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। और देखिए, दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अटकलों के मुताबिक ललन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा देते हुए उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और जिसे सबने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वीकार कर लिया। नीतीश ने भी पार्टी नेताओं की जो भावना है उसके मुताबिक अध्यक्ष पद की बागडोर संभाल ली है। और नीतीश इससे पहले 2016 से 2020 तक जेडीयू के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद आरसीपी सिंह और आरसीपी के बगावत जो हुई थी, बगावत के बाद ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष बने थे। और ललन सिंह आज सुबह नीतीश कुमार के आवास भी गए थे, जहां से दोनों एक ही कार में पार्टी की मीटिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे। और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक दोपहर 3:30 बजे होनी है और ऐसे में जेडीयू की दोनों मीटिंग में और भी फैसले हो सकते हैं। अब ऐसे में इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि नीतीश कुमार से बातचीत जो जब हुई तमाम पार्टी के लोगों की, तो उनकी भी यही मंशा थी। अब देखिए, सूत्रों के अनुसार गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग में नीतीश ने साफ किया था कि उनकी बीजेपी से कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या बीजेपी अभी भी नीतीश से संपर्क साध रही है, नीतीश बीजेपी के संपर्क में है। लेकिन अंदरूनी बातचीत में ये पता चला, अंदरूनी जब बातचीत हुई बैठक में, तभी पता चला कि पार्टी की पदाधिकारियों ने इस बात का कंसर्न जताया था कि क्या बीजेपी से आप संपर्क में है। उन्होंने साफ इसे इनकार कर दिया और जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी, इस बात का उन्होंने विश्वास भी जताया।
अदिति, इस बीच एक और जानकारी दीजिएगा, जैसा कि आप भी कह रही हैं, लेकिन क्योंकि अब नाम प्रस्तावित खुद ललन सिंह ने किया है, लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम नहीं हुआ था उससे पहले ये चर्चा चल रही थी कि कहीं ना कहीं ललन सिंह के कामकाज से शायद खुश नहीं बताए जा रहे थे नीतीश कुमार। क्या वाकई इन खबरों में कुछ सच्चाई है? और जब एक बार पुनः बागडोर संभाल रहे हैं खुद नीतीश कुमार, हालांकि ये भी बात चल रही है कि बीजेपी से कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन पहले तो गठबंधन भी हुआ था। बिल्कुल, देखिए ललन सिंह, जिस तरीके से मैंने कहा था कि आरसीपी सिंह की बात भी हुई थी, उसके बाद ललन सिंह बने, लंबे समय से पार्टी के कुछ जो नेता थे, वर्कर्स थे, वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज से नाराज थे। और अब देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की पहल नीतीश कुमार करते हुए हमेशा से नजर आए, और जिस तरीके से हमेशा से राजनीति में छाए रहते हैं, बहुत बड़ा एक धड़ा था पार्टी के वर्कर्स का जो चाहते थे कि नीतीश कुमार वापस से बागडोर संभाले। ऐसे में तमाम ऐसी और भी चीजें चल रही थी पार्टी को लेकर, एक पार्टी में एक नयापन लाने की जरूरत थी, और उसके बाद जब आज सुबह ललन सिंह पहुंचे थे, तमाम तरीके की बातें उनके बीच में तब भी हुई थी जब उनके आवास पर पहुंचे थे, फिर दोनों गाड़ी में बैठकर पार्टी कार्यालय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बैठक के लिए रवाना हुए थे। तो ऐसी तमाम बातें थी, लेकिन अब पार्टी के अंदर सहमति के साथ लोकसभा चुनाव में एक बार फिर है, क्योंकि देखिए उसके बाद बिहार के चुनाव और तमाम तरीके की स्थितियां हैं। ऐसे में जेडीयू के वर्कर्स एकजुट हो चुके हैं सरकार की रिपीट करने को लेकर भी, और इसके अलावा लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर। अंततः सभी ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बना दिया गया है। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। इस तरह से प्रेस मीडिया लोगों के बीच अपनी दुर्गति करा के जाना, मुझे अफसोस है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, ये कतई उचित नहीं है। क्या लग रहा है कि अब बहुत चीज बदलेगी महागठबंधन में, जदयू में, क्या लग रहा है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव बहुत दुखी हैं आज। उनके सपना को साकार करने वाले सबसे हथियार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे। उनका पुत्र उत्तराधिकारी जनता का जनादेश नहीं प्राप्त कर सकता है सीएम पद का। वो चाह रहे थे कि मैं जीते जी इस पद पर उसको बैठा दें। अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या।